इलेक्ट्रॉनिक बच्चों, आज हम जो है तुल्यांक चालकता का पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो तुल्यांक चालकता क्या है? तुल्यांक चालकता है किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित एक विद्युत घट के एक ग्राम तुल्यांक द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की संचालकता को ही तुल्यांक चालकता कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आयतन हमारा फिक्स है, अगर हम 1 लीटर एलपीजी में लेते हैं तो पदार्थ का क्या है, 1 ग्राम अगर तुल्यांक घुला है तो जो भी आयन हमारा मोबिलिटी करेगा, जो भी आयन हमारा जाएगा, उसकी जो चालकता होगी वो क्या होगी, हमारी तुल्यांक चालकता होगी। और तुल्यांक चालकता और विशिष्ट चालकता इसे जो है पाई इक्वल से डिनोट करते हैं। और इसमें और विशिष्ट चालकता में निम्न संबंध होता है, वो क्या होता है, सी अपॉन क्या जो उसका होता है, वो के अपॉन होता है आपका विशिष्ट चालकता अपॉन क्या होगा, सी इक्वल, मतलब जो सांद्रता है तुल्यांक सांद्रता के बराबर होता है। और जो तुल्यांक सांद्रता कहा गया है कि अगर ये वन अगर एक आयतन में घुला हुआ है, अगर हमारा जो है जो सी ई क्यू बराबर क्या है, सी ई क्यू इक्वल टू मान लें कि 1V, यानी कि जो हमारा आयतन है इक्विवेलेंट का आयतन है उसमें जो है बराबर होता है, ये क्या देखिए हो जाएगा, तभी तो हमारा ये एक हो जाएगा। जब ये बराबर ये देखिए तो क्या हो जाएगा, हमारा तुल्यांक चालकता इक्वल टू आप क्या जाएगी, यह इंटू वी ई क्यू, समीकरण हमारा ये 2 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है कि हम निकाल लेते हैं। और हमने पीछे बार बताया कि आपको कि VEQ क्या होता है, संबंध आयतन और नॉर्मलता, ये हमारा संबंध है नॉर्मलता और आयतन का, कि जो क्या संबंध था कि नॉर्मल संबंध होता है। और अगर हम इस वैल्यू को जो है आयतन में क्यों ले सकते हैं, इस वैल्यू क्या करें, इस वैल्यू का दो मिनट पूछ कर देंगे तो क्या जाएगा, माना जाएगा VEQ आ जाएगा, क्या जाएगा, 1000 आ जाएगा आपका नॉर्मलता को फाइंड कर सकते हैं, या नॉर्मलता हमें दे हमारे पास क्या होगा, हम तुल्यांक चालकता को निकाल लेंगे। इसी प्रकार क्या इसका और इसका यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स, इसकी यूनिट है तुल्यांक चालकता की ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट मात्रक है, ये इसका मात्रक है। अब इसी में हम क्या पढ़ेंगे, इसी में हम पढ़ेंगे मोलर चालकता। तो बेटा तुल्यांक चालकता हमारा क्या होता है, मोलर चालकता में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मोलर कंडक्टिविटी होती है, इसे हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं इसको। तो ये क्या होता है, तुल्यांक चालकता के समान होता है, अंतर इतना आता है कि कार्य किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित एक विद्युत घट के 1 ग्राम तुल्यांक ना होकर हम कहते हैं 1 मोल तुल्यांक द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं इसको मोलर चालकता कहते हैं। वहां पर 1 ग्राम तुल्यांक था इसीलिए तुल्यांक चालकता था, अब जब उसमें 1 मोल बोलेंगे तो क्या होगा, हमारा मोलर चालकता होगा। और मोलर चालकता को डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं इसे हम लोग जो है पाई एम से डिनोट करते हैं, मोलर चालकता करते हैं। और ये मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में भी हम क्या होता है, संबंध होता है, तो उसका संबंध भी देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, पाई एम इक्वल टू हो जाएगा के अपॉन सीएम हो जाएगा, सीएम क्या आपका मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, समीकरण हो जाएगा, और ये इक्वल टू आपका होता है 1/Vm अर्थात मोलर सांद्रता, यानी कि एक आयतन में जो है अगर 1 m घुला हुआ है तो क्या होता है, हमारा मोलर सांद्रता होता है, n मोल घुले हुए हैं। अब देखिए क्या होगा, तो हमारा मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि आपको k इक्वल जाएगा Vm हो जाएगा, कंडक्टिविटी आपका हो जाएगा जो है। अब क्या होता है कि जो ज़्यादा इसमें खुला है, अब देखिए संबंध में क्या होता है कि जो हमारा संबंध देखते हैं तो क्या होता है, ये मोलर का संबंध साधा कर वी एम इक्वल टू होता है 1/m होता है, m क्या होता है आपका मोलरता होता है, मोलरता इक्वल टू अगर मान रखें तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू जाएगा के इंटू 1000 अपॉन m हो जाएगा। तो क्या होता है, हम इस संबंध से क्या होता है,
इस संबंध से हम जो है मोलरता और मोलर कंडक्टिविटी के बीच संबंध जो है ज्ञात कर लेते हैं। और हम इसी में देखेंगे, आप बताएंगे कि किस प्रकार से जो है मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के जो है संबंध रखने के साथ ही है। तो हम देखेंगे रिलेशन, देखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसके बीच संबंध जानेंगे और इस संबंध की मदद से जानेंगे कि हम जो है सवालों को भी आसानी से हल कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है, देखिए मोलर कंडक्टिविटी को जो आपने पीछे पढ़ा है, ये पढ़ा आपने के इंटू 1000 अपॉन क्या पढ़ा आपने समीकरण एक बटे समीकरण दो कर देंगे, समीकरण की अपॉन क्या जाएगा, क्या लिखा जाएगा अपॉन ई की, देखिए क्या आ जाएगा, देखिए कैंसिल किया पर निकलेगा आपका, ये क्या जाएगा आपका एन अपॉन एम हो जाएगा। और एन इक्वल टू में पढ़ा क्या पढ़ा है, एन इक्वल टू पढ़ा आपने डब्ल्यू अपॉन एम पढ़ा है और एम इक्वल टू मोलरता इक्वल टू सॉरी डब्ल्यू अपॉन क्यू पढ़ा है, इसके लिए क्या पढ़ा डब्ल्यू अपॉन आपने एम पढ़ा है। तो सूत्र देखे रखेंगे तो क्या देखिए आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू आपका क्या निकलेगा इसमें हमारा लिखेंगे डब्ल्यू अपॉन एम अपॉन डब्ल्यू अपॉन एम हो जाएगा सर डब्ल्यू अपॉन ई हो जाएगा अपॉन डब्ल्यू अपॉन एम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, एम ऊपर चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या देखिए हो जाएगा अनुभार संबंध में आ जाएगा आपके आ जाएगा ये, तो क्या जाएगा एम अपॉन इक्विवेलेंट क्या देखा जाएगा इक्वल टू आपका हो जाएगा अनुभार बटे ज्ञान की, इस प्रकार संबंध निकाल लेंगे या मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा एम अपॉन ई इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इस प्रकार से हम दोनों के संबंध के आधार पर भी दोनों का संबंध ज्ञात कर लेते हैं। और ये भी बेटा है कि जो हम इसी में आगे पढ़ेंगे चालकता का मापन, तो जो चालकता का मापन होता है वो क्या होता है, चालकता सेल और जो है व्हीट स्टोन ब्रिज के माध्यम से हम क्या करते हैं चालकता से चालकता जो है चालकता का मापन या उसके माध्यम से प्रतिरोध की गणना की जाती है। थैंक यू।